जो नया बुक था वो कितने का है? नया बुक 600 रुपए किलो है। 600 किलो और अंदाजा कितने किलो का आता है? 1 किलो का, 2 किलो का, 2.5 किलो का। ये हो गया तकरीबन 1500 रुपए ज्यादा है, 1200-1500 रुपए का एक बुकता पड़ जाता है। उसे एक गाय कट जाती है पूरी अच्छी? एक क्या, हजारों में काट? हजारों हजारों कैसे कटेंगी? अस्सलाम वालेकुम कराची, कैसे हैं आज? आपको उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं हूँ बाबा जी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाजीवा। व्यूअर्स, ईद करीब आ चुकी है और छुरी और बुगदों का जमाना आने वाला है। इसी निस्बत से जो है आज हम पहुँचे हैं यहाँ छुरी मार्केट में, नई कराची में। ये दुकान है पूरी, यहाँ पे जो है भटियाँ भी हैं और यहाँ पे छुरियाँ तैयार होती हैं। ये आज हम शुरू करेंगे वीडियो में, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी जिस पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारे चैनल से किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम आपको ले आए हैं भट्टी पे, और भट्टी पे यहाँ पर तैयार हो रहा है ये बुगदा। बुगदे का सीजन है और यहाँ पर जो है लेबर जो है यहाँ पर लगी होती है, यही भट्टी लगी हुई है, यहीं पर जो है इसको सजाया जाता है और यहीं पर इसको जो है तैयार किया जाता है। भाई साहब, एक बुगदा तैयार होने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, एक घंटा जी? अच्छा, पुराने को तेज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप नई भी बनाते हैं ना? एक बुगदा बताने की क्या कीमत है इसकी, बुगदे की? बुगदे की क्या कीमत है? ये जो आपके हाथ में उगता है इसका क्या वजन होगा? ये जो आप इसको बना रहे हो क्या वजन होगा अंदाजा? है सवा किलो का है। कितना वजन होगा उसको भी बना रहे थे आप? और क्या किलो पड़ गया? ये 800 रुपए किलो, तो तकरीबन 1000 का बकता हो गया तकरीबन। है ये अच्छा बकता होता है, एक पूरी गाय काट देगा है आराम से। और ये बाजार में कितने का मिलेगा? नहीं, आपके पास तो सस्ता होना चाहिए ना, आप तो खुद बना रहे हैं इसको। अच्छा, जैसा माल होता है वैसे पैसे होते हैं। ओके, आप सिर्फ कमर्शियल काम करते हैं, घरों काम नहीं करते? अच्छा, घरों काम नहीं करते? अच्छा, ये बस देख लीजिए, बुगदे आपके पास शेयर कर रहे हैं, सारे पुराने बुगदे हैं क्योंकि अभी सीजन आ गया ईद का, तो ईद के सीजन के हिसाब से जो है ये आपको दिखाए जा रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ, ये पुराने बुगदे भी सही कर रहे हैं और नए बुगदे भी यहाँ पर बना रहे हैं, ज्यादातर ये काम करते हैं कमर्शियल। ये देखे नए बुगदे आ गए इनके, ये तो नए है ना सारे। इसी क्या कीमत होगी? इसी क्या कीमत है? ये भी किलो है? ये किलो के हिसाब से बिकते हैं क्या? इस भट्टी के अंदर जो है ये इसको गर्म करते हैं जो है सारी कटाई। ये सारी छुरियाँ जो है अभी यहीं तैयार हुई हैं और यहाँ तैयार करके ये लोग लगा देते हैं। सीजन तो है ही और बाजार तो है इसी चीज़ का,
और सीजन के हिसाब से फिर जो है यहाँ पर चिड़ियों के रेट होते हैं। अभी आगे जो है हम आपके साथ इन चिड़ियों के रेट भी जो है कन्फर्म करेंगे। मेरे ख्याल में इनकी अभी धारें भरी हुई नहीं है, धारे शायद जब आप खरीदते हैं तो उसके साथ जो है इनकी धारें मांगी जाती है, इसकी धारा मुझे भरी लग रही है। ये देखिए ये बोलता बिल्कुल तैयार है और अभी जो बोलता वहाँ जो बन रहा है ये जो है यहाँ तैयार करके रखा हुआ है, बिल्कुल रेडी मिलता है। इसको बिल्कुल भी शायद ध्यान रखनी बाकी होगी। अभी आपको पूरी डिटेल जो है पूछिए इनसे बताएंगे आपको। अच्छा व्यूअर आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, ये लोकेशन है सीधी होटल 4 नंबर और यहाँ पर मिलता ही सारा सामान ईद के हिसाब से। ईद के हिसाब से मतलब यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, यहाँ पे जो है चारे के लिए आपको ये टोकरे मिल जाएंगे, मुख्तिन के किस्म का सामान है सब जो है तकरीबन यहीं तैयार होता है और यहीं बिकता है। सारा जो है होलसेल का सामान है आपके साथ जो है, अभी रेट भी शेयर करेंगे, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा व्यूअर्स अभी हम एक शॉप में चढ़ गए हैं और माशाल्लाह यहाँ पे चारों तरफ जो है चूरी बुगदे दूसरी चीज़ें नज़र आ रही हैं और भट्टी भी यहाँ पे लगी हुई है। जो भट्टी हमने आपके साथ पीछे शेयर की यहाँ पर वो भट्टी भी है और हमारे साथ हैं सामने भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान नाम है। अच्छा सुल्तान भाई हमारे साथ हैं। सुल्तान भाई आप अपना सारा सामान खुद तैयार करते हैं? नहीं, कुछ बाजार का होता है, कुछ अपने हाथ से तैयार। अच्छा खुद तैयार भी करते हैं, बाजार का भी होता है। अच्छा ये बुगदे जो आजकल चल रहे हैं ये क्या हिसाब है? ये क्या हिसाब है? ₹1500 का। ये है क्या चीज? ये शापर है। शापर क्या कटेगा इसे? हड्डियाँ किसी की? ये तो माशाल्लाह बड़ा खुला है यार। सुल्तान भाई आजकल ये इस्तेमाल हो रहा है क्या? हमने तो बुगदे इस्तेमाल होते देखे। ये तो ज्यादातर ऊंट वगैरह के लिए, बड़ी गाय के लिए होता है, बड़े जिसका सीना वगैरह ऐसे चापड़ भी मिल जाएगा। अच्छा मुझे बात बताइए इसको चलाने वाला तो वो एक्सपर्ट ही होगा फिर? नहीं ये भी किलो सब चलाते हैं किलो के हिसाब से। आपके पास क्या क्या होता है बकरी के लिए, अगर घर के लिए लेना चाहे? चूड़िया भी है हमारे पास, ये कौन सी दिखाएंगे? सुल्तान भाई माशाल्लाह कितने अच्छे से दुकान है हमारी, तकरीबन 50 साल से, 50 साल पुरानी माशाल्लाह दुकान है माशाल्लाह। ये सारी तकरीबन ये छोटी चूड़ी बनाने वाली, ये कितने की चूड़ी आपके हाथ वाली? ये कितने वाली है? 200 मुझे लग रहा है सारी महंगाई चूड़ियों पे आ गई है। 650 ये इसके अलावा और क्या क्या आपके लिए पकड़े के लिए? ये जो है आप इससे गोश्त काट सकते हैं, कटेगा? अच्छा जी अब आपको लेके चलते बाहर। सुल्तान भाई जरा बाहर आ जाइए, हम आपके साथ जरा और भी चीज़ें पूछते हैं आपसे, रेट पूछते हैं। माशाल्लाह इनके पास और भी बहुत सारे आइटम हैं और आपके पूछते हैं, इनको बताते हैं क्या क्या जो है किस भाव में दे रहे हैं। ये सारे आइटम आपके अपने खुद तो नहीं है ना? ये कितने की है? ये 600 रुपये की है, ये 580 रुपये। अच्छा ये क्वालिटी में अच्छी होती होगी, मतलब अच्छा होता होगा ना इनका। अच्छा इसमें जो है और इसके अलावा जो है ये चीज़ें भी रखी हुई है, सिंबल वगैरह है, सिगड़ी कैसे? सिगड़ी 450 रुपये किलो है। किलो 3 किलो की है, 4 किलो है, 3-4 किलो। ये कितने की पड़ेगी? 1200-1300 रुपये की। हाँ और सस्ती पड़ेगी इसकी बट्टी, 400 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो है। ये अंदाजन कितने की पड़ेगी हमें? ये वजन करेंगे इसका फिर भी 2 किलो है, ये तो हल्की है, 3 किलो है, 450 रुपये किलो है, 400 रुपये। और ये इसी में 500 रुपये किलो है, हल्की मोटी जो, हाँ जो दिल चाहे ले लो, 500 रुपये किलो। ये अलग-अलग। अच्छा सुल्तान भाई एक बात बताइए, ईद के हिसाब से आप लोग रेट बढ़ा देते हैं या रेट कम? नहीं नहीं, और रेट नीचे कर देते हैं। रेट बढ़ाते नहीं है। पक्की बात है? हाँ। जगह कौन सी है ये हमारी सुल्तान भाई? न्यू कराची 4 नंबर। हाँ, सिंधी होटल नहीं है, न्यू कराची 4 नंबर। ये तकरीबन 350 रुपये का है, 350। ये किस आइटम से बना हुआ? ये किस चीज से बना हुआ? लाल पत्थर है। धान लगाने वाला। और ये चवड़ा? ये चारा खिलाने का टप वगैरह। ये कितने का?
ये अलग अलग दाम है, कोई 550 का, कोई 700 का है, कोई 800 का है। अच्छा, यहाँ का एड्रेस बताएंगे आप? हाँ, न्यू कराची 4 नंबर है। न्यू कराची 4 नंबर, मोबाइल नंबर 0321 23 16 502। कोई आए आपसे रब्ता करके यहाँ से ले जाओ, किलो के हिसाब से लेता है। वैसे अंगेठी आपने बताई है 1200-1300 रुपए की, ये अंगेठी 2500 रुपए की है। वैसे स्टैंड भी मिल जाएगा, स्टैंड भी मिल जाएगा। आज के लिए बहुत चल रहे हैं सुल्तान भाई, आपके पीछे जो लगा हुआ है ये कैसे दे रहे हैं? ये बहुत चल रहे हैं आजकल। हाँ, ये 1000 रुपए का है। ये 1000 रुपए का वाला, बड़े वाला? छोटा ये 550 रुपए का। ये लोहे का है या स्टील का है? ये लोहे का, स्टील का? ये लोहे का है, स्टील मतलब लोहे। नहीं, एक इसमें स्टील वाला भी आता है? पेवर स्टील में आते ही नहीं है। आता ही नहीं है, हमने सुना आता है इसमें। सब लोग स्टील का ही बोल के बेचते हैं। अच्छा, ये स्टील का नहीं है? छोटा वाला कितने का बताया आपने? 550। 500 ज्यादा। बड़े वाला? बड़े वाले 700 रुपए। 750। और ये वाला? ये 1000 रुपए। 1000 रुपए का। देख लीजिए, मार्केट से काफी कम रेट है, और अगर आप यहाँ आके इनके पास आके लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई, थैंक यू। अभी मैं आपको एक आधी और दुकान दिखाता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर जो है और भी बड़े आइटम है। यहाँ पर अगर आपसे और बात कर लेगा, यहाँ पे छुरियाँ तेल हो रही हैं। छुरियाँ तेल होते मैं आपको दिखाता हूँ और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा व्यूअर, ये हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, ये अपने काम में मसरूफ है। कह रहा भाई, बात बात नहीं करूँगा, लेकिन आपको वीडियो बनानी तो बना लीजिए, हम आपकी इनकी कारीगरी आपके साथ शेयर कर देते हैं। क्योंकि क्या माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से जो है, ये मेरे घर में कुल्हाड़ा है, जो हमने आपको पीछे कुल्हाड़ा दिखाया था बड़ा, ये उसी का जो है छोटा एक पीस है, इसको पेश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पर ज़्यादातर आइटम इसी तरह के बनते हैं। भाई जान, बहुत शुक्रिया आपका, अपने काम में लगे हैं। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो है चूड़ियाँ काफ़ी पड़ी हुई हैं, और चूड़ियाँ जो हमने आपसे पीछे शेयर की उसी तरह की चूड़ियाँ हैं। रेट वेट तो अभी हम इनसे बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अपने काम में मसरूफ है। केवल चलते चलते एक और भट्टी पर आ गए हम लोग, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है सलाम अलैकुम भाई साहब। भाई साहब सलाम अलैकुम, खैरियत से ठीक है भाई साहब? नाम क्या आपका? अब्दुल्ला भाई जो है काम में मसरूफ है, और हमको तंग करने के लिए आ गए काम के दौरान। अब्दुल्ला भाई, मेरे ख्याल में ये पुराने को नया कर रहे हैं या नया है? पुराने को नया कर रहे हैं। अंदाजन क्या किलो होगा ये? तकरीबन 1.5 किलो का है। 1.5 किलो का है ये? कट के तो अभी और कम हो जाएगा मेरे ख्याल में। डेढ़ रहेगा ये? अभी बकरा ईद के लिए तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद क्या कीमत हो जाएगी इसकी? 800 मजदूरी। अच्छा अच्छा, मतलब पुराना था, आप इसको नया कर रहे हैं? नया कर रहे हैं। अच्छा, देखिए पीछे ग्राइंडर भी इस्तेमाल हो रहा है इसको नया करने के लिए। पहले भट्टी में जो है उसको गर्म कर लेते हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करके जो इनका हिसाब किताब है तो बनाते हैं। वैसे एक जो नया बुक था वो कितने का है? नया बुक 600 रुपए किलो है। 600 किलो। और अंदर कितने किलो का आता है? 1 किलो का, 2 किलो का, 2.5 किलो का। ये हो गया तकरीबन 1500 रुपए, ज्यादा है 1200-1500 रुपए का एक बुकदा पड़ जाता है। उसे एक गाय कट जाती है पूरी अच्छी? एक क्या, हजारों में? हजारों? हजारों कैसे कटेंगी अब्दुल्ला भाई? टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चले जी। अच्छा, हमारे पास छुरियाँ पड़ी है पीछे, कम से कम छुरी कितने की है? अरे यहाँ की नहीं, आपकी तैयार की? यहाँ तैयार नहीं होती छुरियाँ? अरे पसंद नहीं करते, क्या वजह है इसकी? अच्छा अच्छा अच्छा, आपके आपको मेहनत के पैसे नहीं मिलते? वो कितने की है वजीरा वाली छुरी? और कम से कम कितने की है? 250-300 की है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। अच्छा व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारे चैनल पे किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। अपने वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।